धनंजय कुमार सर, जिस तरीके से जनार्दन सर कह रहे हैं कि वहां पर ये जो मामला है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि वहां पर कुछ संगठन है जो विरोध कर रहे थे, उसमें छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों का उन्होंने जिक्र किया है, किसी संगठन का नाम नहीं लिया है कि कौन से संगठन थे जो विरोध कर रहे थे। वहीं इसके उलट जो तस्वीर दिखाई दी, जो तमाम वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, राहुल गांधी को रोके जाने के बाद किस तरीके से वहां के स्थानीय लोग, उस तरीके वहां के स्थानीय नागरिक, वहां की खासकर महिलाएं राहुल गांधी की उस गाड़ी के बोनट पर जो है वो अपना सर रखते हुए दिखाई दी जब वो वापस जाने लगे, किस तरीके से उनके चेहरे हताश और मायूस दिख रहे थे। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं सर। ये मामला वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर का था या फिर सरकार का डर, जिस डर की बात पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है कि क्यों जो है वो प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो जोड़ी है गृहमंत्री की, उसकी स्थिति बड़ी डामाडोल है राहुल गांधी के इस बदले हुए रूप को लेकर के। धनंजय सर, देखिए ये मामला तीन तरीके से जुड़ता है, इसके तीन तार हैं। एक तो राजनीतिक है, और जो राजनीतिक मामला है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है आग में घी डालने का जिसको कहते हैं, वो खुद अमित शाह जी ने किया है, बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने जो चुनाव से पहले समझौते किए थे, वादे किए थे, वो सब जगह है। क्या क्या समझौते किए थे, क्या क्या वादे किए थे, तो ये राजनीतिक मसला ये है। और क्यों ये जरूरत पड़ गई है कि जो उसका तरीका है कि आप जो है किसी कास्ट को या किसी समुदाय को आरक्षण के श्रेणी में लाते हो, या आप उसको जो है शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या जो भी बनाते हो, उसकी एक प्रोसेस है और भारत सरकार से वो ओके होकर के जाती है। तो अब वहाँ के हाईकोर्ट के जज कुछ कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, और उस पर जो है बातचीत होने लगती है, उस पर सारा तमाशा होने खड़ा हो जाता है। तो ये कहें कि ये बीजेपी ने खुद इस मामले को उभारा है, उकसाया है कि ऐसा करो, और उसके पीछे हम सब ये जानते हैं कि ये कारण जो है, सबसे बड़ा कारण देश में जितने उग्रवादी संगठन हैं या जितने उग्रवाद की घटनाएं होती है उसमें सबसे मेजर वजह होती है कॉरपोरेट कंपनियां। ये जितनी जो सरकारें आती हैं वो कॉरपोरेट कंपनियों को लाभ देने के लिए ये सारे चीज़ें खड़ी करती है, इधर से उधर, उधर से उधर। कश्मीर का ले लीजिए, मणिपुर का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, चाहे कोई सरकार हो, मैं किसी सरकार की विशेष की बात नहीं कर रहा, सारी सरकारों ने देश में ये किया है कि कॉरपोरेट कंपनियों को, पूंजीपतियों को धन संपदा देने के लिए या उनको खुली छूट देने के लिए वहां के नागरिकों के साथ संवाद करने के बजाय जबरदस्ती हर जगह की, तो ढेर सारे मामले हैं, यहां भी वही घटना। अब इसको मैं कुछ कहूं इससे पहले, देखिए कि नेशनल पीपुल्स फ्रंट है जो इनके साथ है, हालांकि इनको बहुमत प्राप्त है मणिपुर में, बावजूद इसके वो फ्रंट, चूंकि मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है उनके उनकी सरकार में ये साथ हैं, तो उनका कहना है कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वहाँ जो आग लगी है उस पर पानी बरसाने का काम, उसको शांत करने का काम, मतलब कम्प्लीटली उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है, केंद्र सरकार पे आरोप लगाया कि अमित शाह ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे शांति बहाली हो, और जो काम किए हैं वो नाकाफी हैं, वो राजनीतिक है। और अब जान लीजिए कि स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ विधायक के घर हो, मंत्री के घर हो, कोई सुरक्षित नहीं। जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री है राजकुमार रंजन सिंह, उनके घर पे भी हमला हो चुका है। अब उसके बाद देखिए कि ये जो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ इसको कि सामाजिक मैटर है, क्योंकि आप जो है किसी कास्ट विशेष, एक वहाँ समझिए दर्जा दिया हुआ है, जो कुकी और नागा आदिवासी हैं उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया, मैतेई समाज के लोगों को क्यों करने की बात की जा रही है, अब तक क्यों नहीं थे, और अगर मान लिया कि करना है, सामाजिक तरीके पे बात कर रहा हूँ, हालांकि इसका राजनीतिक आधार तो ये है कि वो फिर वही बात है कि वहाँ पे ये अधिकार है नगा और कुकी आदिवासियों के पास, जैसा कि बाकी देश के बाकी हिस्सों में आदिवासियों के पास अधिकार है कि आप जो है उनकी जमीनें नहीं खरीद सकते, कोई आदिवासी ही खरीद सकता है, इसलिए नहीं खरीद सकते तो आप दूसरों को दे नहीं सकते, तो उसके लिए मैतेई को वहाँ बनाया जा रहा है कि आप भी शेड्यूल ट्राइब में आ जाओगे तो आपके पास भी अधिकार हो जाएंगे। और शेड्यूल ये जो है मैतेई समुदाय के लोग जो है वो ज़्यादातर इम्फाल के नज़दीक हैं, जो राजधानी या शहरी क्षेत्र में विकसित लोग, उन लोगों को ये अधिकार इसलिए दिए जाने की बात की जा रही है ताकि केंद्र सरकार को आसान हो जाएगा वहाँ की ज़मीनों पर, वहाँ के जंगलों पर, वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं उन पर कब्जा करने का। अब उसका जो है सामाजिक आधार है कि दो समाज के लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको कैसे सुलटाया जाए,
मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मैतेई के साथ जा रहा हूँ ना मैं कुकी के साथ जा रहा हूँ। अगर सरकार ये कहती है कि नहीं मैतेई को भी वहाँ शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो सभी पार्टियों के साथ उनके नेताओं के साथ बात की जानी चाहिए थी राजनीतिक तौर पर, फिर वहाँ जो संगठन अलग है उनके साथ संवाद किया जाना चाहिए था, फिर जो वहाँ के समाज के लोग हैं उस पर क्या असर पड़ेगा इस पर डिटेल रिपोर्ट लाई जानी चाहिए थी कि क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ करने का काम नहीं कर रही। बीजेपी आप देख लीजिए, कश्मीर का एक बड़ा उदाहरण है, हमारे दर्शक जो है हो सकता है मणिपुर के हालात से परिचित ना हो, वहाँ किस क्या स्थिति हो, इसको मैं जोड़ता हूँ मणिपुर यहाँ से कश्मीर से, कि कश्मीर में जिस तरह से 370 को खत्म किया, क्या इस तरह से खत्म किया जाना चाहिए था? दादागिरी है, आपके पिताजी का घर है हिंदुस्तान, आप तय करोगे, केवल बीजेपी तय करेगी, केवल आरएसएस तय करेगा कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा, या सब मिलकर तय करेंगे? बीजेपी को अगर बहुमत मिल गया है केंद्र में शासन करने का, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो चाहे वो करेंगे। क्या आप कल को कश्मीर को लीज आउट कर देंगे चीन को, किसी और को दे देंगे क्योंकि आपको बहुमत प्राप्त है? इस तरह की काम करना क्या सही है? तो ये वही कर रहे हैं, हर जगह अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना एजेंडा लागू कर रहा है, क्योंकि संघ ने कहा हुआ कि एक देश एक विधान, तो मतलब क्या है एक विधान, मतलब क्या है कि आप किसी को दबा करके जबरदस्ती कर दोगे? आप देश की आजादी जो है वो समझौते से मिली, गांधी का उसमें बड़ा रोल है, सत्य अहिंसा की बात करते रहे, संवाद की बात करते रहे, भारत दुनिया में संवाद की वजह से जाना जाता है कि ये लोगों से बात करना जानते हैं। हमारी संस्कृति की बात कीजिए या हमारे आजादी के समय की बात कीजिए, आजादी के बाद की बात, अगर आप संवाद नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे शासन करेंगे आप, और वो भी लोकतंत्र में कैसे शासन करेंगे आप? संवाद सभ्य समाज के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहला विकल्प, अगर संवाद से नहीं बात निकलती है तब आप अलग चीजें अपनाइए, आप पुलिस अपनाइए, आप सेना को लेकर के आइए। लेकिन हमारे देश में पिछले 9 वर्षों से क्या हो रहा है, हर बात पे जो है अहंकार बोलने लगता है, छाती पीटने लगते हैं, छाती ठोकने लगते हैं, जिसे लगता है कि इनकी छाती जो है लोहे की है, बाकी की छाती जो है मोम की बनी है, लोहे से आग से पिघल जाएगी। आप इस तरह का काम मत कीजिए, सत्ता में आए हैं इसका मतलब सत्ता में हमेशा 400 साल बने रहेंगे ऐसा संभव है क्या? अगर 400 साल भी बने रहेंगे तो क्या करेंगे आप, नागरिकों के खिलाफ जाके काम करेंगे? तो अब ऐसी स्थिति में जब पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से, समझिए 2 महीना का समय हो गया, 2 महीने से वहां हिंसा चल रही है, वहां के लोगों का जीवन दुभर हो गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, आम आदमी अपने काम नहीं कर सकते। आप सोच लीजिए, ज्यादातर लोग वो हैं जो गरीब लोग हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उनका घर कैसे चलेगा? 60,000 लोग शिविरों में लाए गए हैं, शिविरों में क्या किस तरह की व्यवस्था होती है आप समझ लीजिए, इससे अंदाजा लगा दीजिए कि जब ये मोदी जी ने ये दिया था कि हम 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं, और तब किस तरह से मजदूर सड़कों पर आ गए, अंदाजा है कितने मरे थे लोग? क्योंकि इनको क्या करना, इनको तो अरबों रुपए खर्च करना, अपनी यात्राओं पे खर्च करना। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कितना अरबों रुपए खर्च किया है मोदी जी ने अपनी यात्राओं पे पिछले 3 सालों में, किसका पैसा है? ये कहते हैं पब्लिक को 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। मुफ्त क्या, आप घर से कमा करके लाए हो, जनता का है, जनता को दे रहे हो, जनता को बांट रहे हो, मेरा लेकर के जय नारायण जी को दे रहे हो, जय नारायण जी का लिया हुआ ब्रजेश जी को दे रहा है, ब्रजेश जी का लिया हुआ समीम भाई को दे रहा है, समीम भाई का लिया हुआ प्रकाश जी को दे रहा है, आप किसका दे रहे हो? हम लोगों का दे रहे हो, और आप कह रहे हो सरकार प्रधानमंत्री दे रहे, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं मुख्यमंत्री बोल रहा है मैं ये दे रहा हूँ, तुम कौन हो भाई, कौन है मुख्यमंत्री? एक व्यक्ति हो, व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता। ये सबसे बड़ी, ये संविधान के साथ सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है इस देश में कि संविधान के शपथ लेकर के संविधान को बचाने का शपथ लेने वाला व्यक्ति जो है सबसे पहले संविधान को मारा। मैं क्यों बोलता, कौन है प्रधानमंत्री बोलने वाला मैं ये कर रहा हूं, मैं मतलब क्या होता है, नरेंद्र मोदी, इस देश की जनता है, मैं इस देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, तो आप इस देश की जनता को सबसे पहले निगाह में रखना पड़ेगा। और जनता बहुमत पे तय नहीं होती है, जनता तय होती है, अगर एक आदमी भी अगर रो रहा है आपके निर्णय से आपके न्याय से तो दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर वो निर्दोष है, अगर वो अपराधी नहीं है, और अगर वो उसकी आंख में आंसू आए हैं तो आप दोषी हो, आप सत्ता पे रहने के काबिल नहीं हो। और वहां तो सैकड़ों लोग मार दिए गए, कितने लोग घायल है, मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी एम्बुलेंस में, उसको लोगों ने जला दिया भीड़ ने, कितना दुर्भाग्यजनक, इस तरह से शासन होता है। और फिर आप देखिए कि अभी जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है मानवीय संवेदना की, राहुल गांधी वही करने गए, प्रधानमंत्री तो गए नहीं, प्रधानमंत्री का धर्म नहीं था कि प्रधानमंत्री पहले हिंदुस्तान आए तो पहले मणिपुर जाए, वो बता रहे हैं भोपाल जाकर के लेक्चर दे रहे हैं, हमने क्या किया, क्या किया आपने, झूठ बोल करके आए अमेरिका में,
सर प्रधानमंत्री अमेरिका से लौट के आएंगे तो मणिपुर क्यों जाएंगे, उनको अमेरिका जाने से पहले जाना चाहिए था सर, 50 दिन एक पूरा लंबा समय बीत गया था तब वो गए हैं अमेरिका। राम प्रकाश जी मैंने मान लिया प्रधानमंत्री है, आपने दूसरे गृह मंत्री को सौंप दिया था, बहुत बिजी आदमी है, दुनिया आपका इंतजार कर रही है, दुनिया चल ले रही है, वो जो बाइडेन अपनी सत्ता चला नहीं पा रहे थे मोदी जी से सलाह लिए बिना, तो मोदी जी का ऑटोग्राफ लिया, उसके बाद उनको जो अमेरिका की जनता ने माना कि हाँ ये हमारे महान राष्ट्रपति है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन जब आप भारत लौट आए थे तो आपको जाना था ना मणिपुर, क्यों राहुल गांधी ने लास्ट में क्यों अनाउंस किया, क्योंकि ये देख लिया कि बीजेपी की मंशा जो है नहीं है मणिपुर की जनता के प्रति, इनका इनका एजेंडा है चुनाव जीतना। अभी लखीसराय में जाकर के ये अमित शाह ने क्या किया, चुनावी भाषण देने गए वो, आपको बार बार आपको बैठ करके संवाद के लिए बुलाना चाहिए था जो मणिपुर के नेता है। या देखिए आम आदमी किसी लड़ाई में नहीं रहता है, उसकी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई है रोजी रोटी की लड़ाई है, अपने बच्चों के इलाज की लड़ाई है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग लड़ते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग लड़ करके बहुसंख्यक जनता जो है इस देश की है उसका जीवन बर्बाद करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जो है जीवन संवारने के लिए नहीं है, सॉरी पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ सारी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टी, सारी राजनीतिक पार्टियां देश के नागरिकों का जीवन हराम कर रही है, झूठ गंदी राजनीति के नाम पर, सत्ता की राजनीति के नाम पर, ये कहते हैं मैं देश हित में कर रहा हूँ, कौन सा देश हित है, मणिपुर में आग लगी वो देश हित में, क्या देश का हित सज रहा है, क्या इस देश के नागरिकों पे जो जन्म लेते ही लोन कर्ज चढ़ा दे रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं वो घट रहा है, क्या जो मर रहे हैं जो मारे जा रहे हैं उनको स्वर्ग में जगह मिल रही है, आपका धर्म कहता है स्वर्ग में जगह मिलता है मरने के बाद, तो क्या उनको किसी ने देखा कि भगवान विष्णु खुद जगह दे रहे हैं कि आइए हमारे क्षीर सागर में लेट जाइए, ये ढोंगी लोग, और बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में ऐसा शासन है जो संवाद करना नहीं जानता। संवाद कीजिए, संवाद सबसे जरूरी विषय है, अगर अगर और अगर संवाद नहीं कर रहे हैं तो फिर शासन जो है वो बंदूक से नहीं होता, अगर बंदूक से शासन होता तो अंग्रेज कभी हिंदुस्तान छोड़ के जाते नहीं। तो मैं कहूंगा राहुल गांधी ने जो किया है वो किया जाना चाहिए, और संवेदना स्तर पर मैं बोलता राहुल गांधी क्यों, आप मोदी जी जाइए तो आप भी लोगों के साथ बैठिए, खाना खाइए, बातें कीजिए, क्या दिक्कत है, आप जैसे यहाँ पे अपने भोपाल में बूथ के और पन्ना प्रमुखों से संवाद कर रहे थे तो वहां के नागरिकों से क्यों नहीं संवाद कर सकते, करिए, पूछिए वो क्या कर रहे हैं, लाइव दिखाइए उसको, मैं कहता हूँ लाइव दिखाइए, आप दूध के दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आप नहीं दिखाएंगे, पन्ना प्रमुखों को बूथ प्रमुखों को आप संबोधित कर रहे हैं, उनके सवाल के जवाब दे रहे हैं, तो सारे चैनल जो गटर मीडिया है वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, क्यों भाई। तो ये मैं कहूंगा कि बीजेपी असफल है, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके जिस तरह मैंने फोटो देखे 40-50 फोटो मैंने देखे, वो फोटो जो है वो लगता है कि इस देश का देश के कमजोर नागरिकों के साथ कोई बड़ा नेता अगर संवाद करने आया है तो उसको अच्छा लगता है, समझिए हमारे घर में कोई मृत्यु हो गई है, जय नारायण भाई आएंगे तो हमारा मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, लेकिन हमको अच्छा लगेगा कि जय नारायण भाई आए, शमीम साहब आए, ब्रिजेश जी आए, अच्छा लगेगा, दिन को तसल्ली मिलेगी, तो तसल्ली देने गए, आप तसल्ली देने का भी काम नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, आग में झोंकेंगे, घी लगाएंगे, घी डालेंगे जी। सर जाना छोड़ दीजिए, कम से कम प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसी भी बाहैसियत वो कम से कम एक ट्वीट कर दें जिस ट्वीट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिस ट्वीट ने उनको सत्ता तक पहुंचाया वही कर दें। राम प्रकाश जी सॉरी, ये ट्वीट से, ये फेसबुक से सत्ता नहीं चलती है सर, ये आप और हम कह सकते हैं, आप और हम कह सकते हैं, पूरी की पूरी सरकार उसी पर बैठी है, पूरी की पूरी भाजपा उसी पर बैठी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से निकल करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उसी सोशल मीडिया के देते हैं कि वहां तक वो पहुंचे हैं, नहीं तो सर आज गलत है, उसको प्रमोट मत कीजिए, प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, आप याद कीजिए जय नारायण भाई थे तब उनके साथ थे, बीजेपी के साथ थे, जब GST का हंगामा हुआ था सूरत में तो पूरा जो है केंद्रीय मंत्रालय वहां जाके बैठा था, जनरल भाई जिसका जो है तस्दीक करेंगे कि हाँ सही है कि गलत है, और किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से चुनाव जीता, क्या लोगों को नहीं पता है, जनरल भाई बताएंगे वो, तो आप चुनाव जीतने के लिए पूरे दिल्ली के केंद्रीय मंत्रिमंडल को ले जा करके बिठा सकते हो, सारे IAS ऑफिसरों को लेकर बिठा सकते हो, मणिपुर में क्यों नहीं बैठ सकते हो, इम्फाल में बैठो आप, बोलो कि 10 दिन मैं यही रहूंगा और शांति करा के जाऊंगा, करके दिखाओ।
धनंजय सर, जिस तरीके से अभी बात हो रही है सारी चीजों की, लगातार अब खबरें जो आ रही हैं वो एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है। अब एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है जैसा जयनारायण सर कह रहे हैं, दूसरी तरफ संघ भी अब इन सारी नीतियों से लेकर के चेहरों तक पर सवाल उठा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी और शाह ये दोनों लोग जो है भाजपा में भी धीरे धीरे अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? देखिए, जिनकी नीयत में नफरत होती है बहुत जल्दी अलग नहीं होते, क्योंकि उनके बचने के रास्ते बहुत कम होते हैं। दोनों सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनकी लड़ाई जो होती है फिर गैंगवार हो जाती है, फिर वो जो है वो सामान्य चीजें नहीं होती। डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब जो है मोदी जी के बड़े करीब रहे, पता नहीं आपने परिचय दिया होगा उनका, लेकिन डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब जो है IIT के स्टूडेंट रहे, प्रोफेसर रहे, और जो नर्मदा योजना है, नहर योजना, गुजरात में पानी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि पानी जो है खेतों तक पहुँचा दिया गया, सौराष्ट्र और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया गया, वो डॉक्टर साहब की वजह से पहुँचाया गया, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी डॉक्टर जयनारायण साहब। सर मैं एक 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 चीज़ और कह दूँ जयनारायण साहब के बारे में, चूँकि आप कही रहे हैं, कल मेरी गुजरात में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने जयनारायण सर के बारे में मुझे जो बताया, मुझे वो नहीं पता था। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में इनको क्यों जो है वो वैल्यू नहीं दी जा रही थी जो इनको मिलनी चाहिए। मैंने बोला नहीं। उन्होंने कहा चूंकि इनका जो अनुभव है वो इतना लंबा है कि भाजपा जैसे ही कुछ गोल गोल घुमाना शुरू करती थी ये तुरंत पकड़ लेते थे, और इससे भारतीय जनता पार्टी का हर नेता डर रहा था, इस वजह से उनको वो जगह नहीं दी जा रही थी जो जगह इनको मिल जानी चाहिए थी बहुत पहले। जी धनंजय सर बात कंप्लीट करें। नहीं, भाजपा में कोई ऐसे लोग नहीं है जो किसी को जगह देते हैं, वो जगह से हटा देते हैं, धक्का मुक्की होती है। वही बात सर, वही बात हुई ना, आपने राजस्थान में देखा ना राजनाथ सिंह के सामने क्या हुआ, तो भाजपा में या RSS में धक्का मुक्की वाले लोग जगह पा पाते हैं। डॉक्टर जयनारायण व्यास जी धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति नहीं, पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति है। मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय उनके साथ नहीं है, लेकिन जितना मैं उनके बारे में जान पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, उसमें मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर साहब बड़े, अभी आपके सामने सब संवाद करते हैं, दो तीन प्रोग्राम में मैं उनके साथ रहा हूँ गुजरात समाचार के प्रोग्राम में, जितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उनके साथ बैठता हूँ। और गुजरात में जो मोदी जी की छवि बनी है उसके निर्माण में डॉक्टर जयनारायण व्यास का बड़ा योगदान है, अच्छी छवि की बात कर रहा हूँ, घटिया छवि की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो है डॉक्टर साहब को किनारे उन्होंने नहीं लगाया, डॉक्टर साहब ने स्वेच्छा से किनारे कर लिया खुद को, नहीं तो ये भी जो है एक बघेला साहब ने जिस तरह से किया, शंकर सिंह बघेला साहब ने, ये भी कर सकते थे, इनके कम चाहने वाले गुजरात में नहीं है, लेकिन ये गुजरात को राजनीति के तौर पे नहीं देखते देश को। जितना भी बयान दिया इन्होंने, पहले भी इनके बयान सुने होंगे आप, देखिए इनके बयान आप नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इसलिए जो अभी कहा डॉक्टर साहब ने कि नफरत के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये तो बार बार लोगों ने कहा है, सब लोगों ने कहा है, और कहा है क्या, देखा है, हम सब ने देखा है कि आज जितना अब बताइए। अब एक और बात बताऊं, अभी बोल रहे थे ब्रजेश भाई जी कि वहाँ ईसाई धर्म लोग स्वीकार कर चुके हैं। अरे कोई धर्म स्वीकार कर ले ब्रजेश भाई, ये देश जो है किसी धर्म विशेष का नहीं है, संविधान ने कहा है कि इस देश का धर्म जो है वो नागरिक धर्म है, भारतवर्ष धर्म है, प्रजा का कल्याण ही हर नेता का धर्म है। ईसाई है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है, ये धर्म नहीं है संविधान का, और ये धर्म से ये देश नहीं चल रहा है। और ये जो धर्म के नाम पे तमाशा कर रहे हैं, रक्तपात कर रहे हैं, जहर भर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, और केवल संविधान के खिलाफ नहीं है, वो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ। ये गांधी पे भले आरोप लगा दें कि गांधी की वजह से देश बट गया, देश गांधी की वजह से नहीं बटा है, और जैसे जैसे देश पढ़ेगा आगे बढ़ेगा ये जो है गटर में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि ये गटर से ही निकल के आए हैं। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देखिए आप वहां की आबादी आप सुनिएगा तो गौर कीजिएगा तो बड़ा आपको ये होगा, वहां की आबादी कितनी है, 38 लाख, 38 लाख लोग रहते हैं मणिपुर में, बताइए 38 लाख लोग जो है कितने हैं, 16 जिले हैं, 11 जिले में कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है। आप भाई आप वहां अगर मोदी जी वहां जाते और कहते कि हमारी प्रायोरिटी भारत की जनता है, नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? अब किसान की बात की, समीम भाई ने किसानों की बात कही, ये अपने एजेंडे के साथ चल रहे हैं।
इनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने रहना। भारत हित देश हित इनके एजेंडे में कहीं नहीं आता है। आप याद कीजिए, जब आजादी से पहले भी हिंदू सभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी तो क्या उनके एजेंडे में भारत की आजादी थी? क्या भारत हित था उनके एजेंडे में? इतिहास पढ़िए तो पता चल जाता है। इतिहास छोड़ दीजिए, आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 750 किसान मरे, मोदी जी के मुंह से एक बार अफसोस का शब्द नहीं निकला। मणिपुर में इतने लोग मरे, इस तरह का हाल है मणिपुर के बारे में, एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वो चाहते हैं कि मणिपुर में मैतेई जो है वो एसटी में शामिल कर दिए जाए। कुकी को मानना पड़ेगा, वो माने बैठे हैं कि आज ना हो कल कुकी संप्रदाय के लोग जो ये कुकी जनजाति जो है वो मान लेगा, मानना पड़ेगा उसको। ये मनवाना चाहते हैं, ये हर बात को देश में मनवाना चाहते हैं। तो ये अक्सर मैं बोलते हैं ना, ये मन की बात करते हैं, मन की अपने मन की बात में नहीं करते हैं, इसलिए डरते हैं सवाल के जवाब से, क्योंकि मन से कुछ कहीं सही ना निकल जाए। इनको आरएसएस के मन की बात करता है, आरएसएस के एजेंडे की बात करता है, अपने मन की बात भी नहीं करते हैं, ये जान लीजिए। अपने मन की बात करते तो हर व्यक्ति के मन में जो है ना उसका इंसान बैठा रहता है, और इंसान कहीं ना कहीं फूट के निकल जाता है, ये नहीं निकलता। क्यों सवालों से भागते हैं? क्योंकि इनको डर लगता है कि इनके भीतर जो इंसान बैठा हुआ है कहीं बाहर आके रोने न लगे, और जिन लोगों ने इनको खड़ा किया पत्थर ईंट डाल करके उन लोगों के खिलाफ ना कुछ बोल दे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस दिन ये दरकेगा उस दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा, और इस देश को बचाने का काम जो है मध्य मार्ग ही कर सकता है। मध्य मार्ग इसलिए कर सकता है कि दुनिया में यही एक रास्ता है, आप भी रहो मैं भी रहूं, केवल मैं ही रहूं आप ना रहो, ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो भी नहीं रहेगा। आप कितना भी जहर भर लो, फाइनली मैं एक सवाल अक्सर करता हूं जयनारायण साहब, कि ये लोग बोलते हैं कि भारत का बंटवारा गांधी ने करवा दिया है, मैं पूछता हूं आपके घर का बंटवारा क्या किसने करा दिया? क्या देश में ज्वाइंट फैमिली है कहीं? हर घर में तीन भाई है, तीनों भाई लड़के अलग अलग हो गए, कौन बंटवारा करवाया? कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, लगता है